सरकार ने 2009 से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई है ताकि प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कराया जाए, परंतु बहुत अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के कटहरी ब्लॉक के पूर्वा गांव में 2 साल से खंभे तो गड़े हुए हैं, पर आज तक ना उस पे तार आया और ना ही तो बिजली आई, जिसके चलते मुंद्रिका सहित 326 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत ये है कि हमारे घर लाइट नहीं है और जो नहीं कि खाना दाना बनाने में दिक्कत है, और कुल ये बगल लाइट है लोहरा में और यहाँ लाइट नहीं है पूर्वा पे, ये कुल दिक्कत मोबाइल नहीं चार्ज होता है। दिक्कत ये है कि मतलब खाना उना की दिक्कत होता है, कैसे अन्हार में बने जाए, 1 लीटर तेल मिलता है, कीड़े बीछी निकलत हैं आषाढ़ के महीना में, हमारे सब रात बिरात सोवा रही है, अब कुछ काट ले या कोनो बात हो, लाइट नहीं है अन्हार में क्या करते हैं। एक जनी आ रहे हैं फोटो टू लगे रहे, 100 रुपये लगे, हमें सब गरीब मन ही रहे 100 रुपये दे दिए, वो लगे काजन के यहाँ चला गया, सोचे को हो जाए मोबाइल उबाइल चार्ज होए, गर्मी में पंखा उंखा मतलब होए, लड़के पढ़िए लिखिए उनके सुविधा हो जाए, कौन सुविधा। हमारे गांव में लाइन नहीं है और हम लोग अंधेरे में पढ़ नहीं पाते हैं और रात में खाना भी ठीक से नहीं बनता, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में लाइन आ जाए, हम पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बनने चाहते हैं जैसे DM, SDM। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ जनपद अम्बेडकर नगर के अधिशासी अभियंता के संपर्क नंबर 94-51-90-14-85 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनके समस्या का समाधान हो सके। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया अनहड़ के लिए।